क्लासेस, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, हमने लिखा मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, घटाओ और बराबर करो और आंसर पाओ दो चार सेकंड में। तो आज की क्लास में हम यही सिखाएंगे कि मल्टीप्लाई करना है दो चार पांच से, या फिर इक्वेट करना है, कब ऐड करना है, किस किस तरीके के सवाल, कितने सवाल इस टॉपिक पे बन सकते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत गहरी होने वाली है, ठीक है। इक्वेट करने का मतलब क्या है, बराबर करने का मतलब क्या है, हर एक छोटी से छोटी बात मैं आपको समझाऊंगा सवालों के माध्यम से, ठीक है भाई। तो तैयार है आप सब? उससे पहले मैं बता दूं कि मैं लगातार फ्री क्लासेस ले रहा हूं। एक क्लासेस यहां पे होती है डेढ़ घंटे की, उसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल क्लास में मैं पढ़ाता हूं। आप सब मुझसे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। जैसे आज भी 2 बजे से स्क्वायर की क्लास है, जस्ट अभी ये क्लास खत्म करेंगे तुरंत 2 बजे से स्क्वायर की क्लास है, उसका लिंक भी हमने पिन किया हुआ है, कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। उसके बाद शाम को 5 बजे जो ज्योमेट्री चल रही है, उसकी रोमबस और पैरेललोग्राम की क्लास है, तो वो आप देख सकते हैं। ये सब फ्री क्लासेस आज की क्लास, ठीक है। चलिए आज की क्लास में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे सवाल में ठीक लग रही, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये खींचना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, ठीक है, चलेगा चलेगा, इतना चलेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे सवाल में एक्स स्क्वायर दे रखा है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, फोन साइलेंट कर लेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे सवाल में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे चाहत एक्स की क्यूब की है, और मुझे चाहत एक्स की क्यूब की है, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने कहा कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे एक्स की क्यूब निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर को मैंने कहा मैं एक्स से गुणा करके एक्स की क्यूब बना सकता हूँ। तो आज की क्लास में हम जितने भी सवाल करने वाले हैं, उन सब में आपको इसी तरीके से सोचना होगा कि क्या आपको दिया हुआ है और आपको चाहत किस चीज़ की, इसी पे हम बात करेंगे। तो ऐसा क्यों ना करें कि छोटे छोटे सवालों से इस बात को समझ लें। जैसे किसी ने मुझे कहा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स दिया हुआ है, और मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड एक्स की क्यूब, मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि आप एक्स की क्यूब बताओ क्या हो, इतनी सी बात कोई मुझसे पूछ रहा है, तो मेरा एक ही ध्येय होगा, मैं कहूंगा कि बेटा आप ऐसा करो, इसको एक्स से गुणा कर लो। तो बच्चा कहेगा ठीक है, एक्स से गुणा कर लिया, एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लिखा था थंबनेल पे, मैंने कहा था मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, ये मैंने बताया था। तो मैंने कहा अगर मैं इसे जोड़ देता हूं तो आप पाएंगे कि एक्स से एक्स कट जाएगा। बोलो कट जाएगा, नहीं, एक्स से एक्स कट जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। जब मैं जोड़ूंगा, आप कई नादान परिंदे होंगे, वो कहेंगे कैसे जोड़ रहे हो, तो जोड़ने का मतलब होता है एलएचएस को एलएचएस में जोड़ना। जैसे एलएचएस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर, आरएचएस कितनी है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नहीं, हमने कहा एक्स से ये एक्स कट जाएगा कि नहीं। तो आपने देखा एक्स की क्यूब यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस वन, एक्स की क्यूब यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस वन। ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे जोड़ के दिखा दी, आगे मैं ऐसे जोड़ के नहीं दिखाऊंगा, अभी आपको समझा रहा हूँ कि जब हम जोड़ते हैं तो एलएचएस से आरएचएस कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, एक्स की क्यूब प्लस वन बराबर जीरो। तो एक्स की क्यूब कितना होगा, माइनस एक, ये आपको सीखना है मुझसे, एक्स की क्यूब कितना होगा, माइनस वन। एक तो हम आज की क्लास में इस टाइप के सवाल करेंगे, ठीक है, दूसरे किस टाइप के करेंगे, इसको नोट करो, फिर हम सवालों पे आएंगे। पहले एक बार कंसेप्ट समझा दूँ आपको अच्छे से, फिर हम सवालों पे आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा हर चीज सीख के जान के। बार बार ये बात बताऊंगा, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी समझ पाएंगे बात को, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगी, वो भी समझ पाएंगे, ठीक है, सब समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स था, हमने एक्स गुणा कर ली, तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये चल गया, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या कहा कि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या अगर मुझे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो दिया हुआ है, और उसके बाद मुझे कहा गया है कि फाइंड एक्स की क्यूब बताओ, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट बात बराबर है। आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हो, हमें नहीं समझा, तो मैं कहूँ देखो मैं समझाता हूँ। कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ऐसे लिखेंगे। अब उनको मालूम है कि मुझे एक्स की क्यूब निकालना है, वो वैसे क्यों आ जाता है वहाँ पे, ऑटो फोकस नहीं किया, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे कि मुझे एक्स की क्यूब निकालना है, तो मैंने इसको एक्स से गुणा किया, तो ये होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो, ये मुझे निकालना है। तो मैंने कहा कि मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ। तो आपने कहा कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स भी खत्म हो जाएगा। कई नादान परिंदे ऐसे होंगे जो नहीं घटा पा रहे हैं, उनके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से हम घटा रहे हैं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो ताकि ये कट रहा है आपस में, और एक्स की क्यूब कितना बच रहा है, एक। यही चीज यहां से आ रही है, बट इसमें घपला बहुत है, इसमें क्या है ना कि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। आपने देखा कितना पमारा पड़ा कि कैलकुलेशन में बार बार ये डाउट रहता है, माइनस वन प्लस वन ये सब डाउट रहते हैं। लाइट पूरी जलाया करो, रोज का है कि लाइट पूरी जलनी चाहिए, ठीक है भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे आऊंगा तो देखूंगा, आगे दिखता ही नहीं बच्चों, अभी क्लियर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि मैं इस चीज को, ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया, ये दिस वन, मैं इसका एक और तरीका बताता हूं आपको, और वो होता है इक्वेट। ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इक्वेट। इस सब्ट्रैक्शन का सब्स्टिट्यूट है इक्वेट। अब आप सोचेंगे ये इक्वेट क्या बीमारी है, तो मैं आपको बताता हूं ये क्या बीमारी है। जैसे मेरी बात समझना, आपको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था। अगर आपको एक्स की क्यूब चाहिए तो आप इसको एक्स से गुणा करोगे, ये तो आप समझ गए, तो आपने एक्स से गुणा किया तो ये कितना होगा, एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है ये भी जीरो के बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर है, होगा यानी ये भी जीरो के बराबर होगा, तो आपको पता चल गया कि ये दोनों बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ एक्स और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, तो आपका एक्स की क्यूब कितना बच जाएगा, एक, एक्स की क्यूब एक आ गया। तो यहाँ पे ना इक्वेट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, घटाने में कंफ्यूजन है, और घटाने में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, उसकी वजह है कि प्लस माइनस की गलती होने का खतरा रहता है। बट जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ इक्वेट वाला, इसमें कोई खतरा नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीका है। तो फटाफट से सवालों पे आते हैं, बहुत जल्दी वक्त कम है, जितने लोग भी नए जुड़े हैं मैं दोबारा भी बताऊंगा इस बात को, सवालों के थ्रू जब पढ़ाऊंगा तो दोबारा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबको आज पता नहीं होगा कि क्लास इस टाइमिंग पे है, तो ये भी हो जाता है, कई बार सब बच्चे नहीं पहुंच पाते, बट कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ी बहुत टाइमिंग इधर से उधर करनी पड़ती है, वरना तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये सवाल दिया हुआ है, तो अभी मैंने बताया था, फिर से मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ कि मैं समझ गया कि मुझे सवाल का उत्तर निकालने के लिए एक्स की क्यूब की जरूरत पड़ेगी। मैं ये समझ गया कि मुझे सवाल का उत्तर निकालने के लिए एक्स की क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स, मैंने कहा एक्स से गुणा कर लेता हूँ, तो आपने कहा एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसके बाद ऐड कर दिया, तो आपको मालूम है जब ऐड करूंगा तो एक्स से एक्स कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स की घात तीन प्लस वन जीरो आ जाएगा, इट मीन्स कि एक्स की घात तीन कितना है, माइनस वन। ये सबसे बेसिक बात है जो मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद जब सवाल बनेंगे
आगे बढ़ेंगे तो सवालों का लेवल भी बढ़ेगा। तो माइनस एक और माइनस टू, ये उत्तर कितना आ जाएगा? माइनस तीन। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। क्लियर है बात को? अगर किसी को भी डाउट है तो आप मुझे बता दो। कोई भी डाउट अगर आपको है तो मुझे बता दो, एनीथिंग एल्स, कोई भी डाउट है तो। अब आप ये सवाल देखेंगे, ये सवाल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, तो टू एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब क्या होगा? टू एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब क्या होगा? तो तब आप देखेंगे कि यार मुझे यहां भी क्या निकालना है, एक्स की क्यूब। तो मैंने क्या किया, जैसे ये लिखा हुआ था, ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, यही है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको एक्स से गुणा कर लूं, एक्स से, देखिए सारा खेल एक्स का है, और गणित में नहीं जिंदगी में भी सब कुछ एक्स का है। एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो। तो तब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स की क्यूब कितना होगा? वन। एक्स की क्यूब कितना होगा? वन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? एक्स की क्यूब बराबर कितना होगा? वन। इज इट क्लियर और नॉट? एक्स की क्यूब कितना होगा? वन। अगर एक्स की क्यूब वन है तो मैं ये कहूंगा कि टू इंटू वन प्लस एक बटा एक, तो ये कितना आ जाएगा? दो प्लस एक बराबर तीन। कोई बच्चा ऐसा है जिसका उत्तर नहीं आया? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी इस तरीके की जिसका उत्तर नहीं आया? 19-20 सवाल करेंगे और ये टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा, 19-20 चीजों में ये टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। एनीबॉडी एल्स? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि इन सवालों का तरीका यही है, जब मैं आगे भी आपको और पढ़ाऊंगा तो और भी 36 तरीके निकल के आएंगे। आगे भी ऐसा होगा कि सवाल फिर रिपीट हो रहे होंगे तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, इस तरीके के सवाल एसएससी ने ना जाने कितने पूछे, मुझे भी अनुमान नहीं है, और लगातार पूछ रही है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इस तरीके के सवाल। बस हमें ध्यान देना है कि क्या हमारे पास है और क्या हमें बनाना है। इसका स्पीकर ऑफ कर दो, कौन से वाले लैपटॉप से आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब प्लस ए की घात चार माइनस दो बराबर जीरो है, तो मैं समझ गया कि एक तो मुझे ए की घात चार चाहिए, एक तो मुझे ए की घात चार चाहिए। ठीक है, अब ए की घात चार ऑलरेडी मेरे पास है, फिर मुझे क्या चाहिए? टू बाई ए। तो बच्चा बोला टू तो आपके पास है, तो मैंने कहा फिर क्या करूं? तो बच्चा बोला केवल वन बाई ए से गुणा कर दो ताकि ये टू बाई ए बन जाए। तो मैंने कहा भाई अगर मैं इसको गुणा करता हूं, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं, हर चीज ध्यान से समझने वाली है, हलवा नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाएगी, ना आपको इतने बेस्ट तरीके मिलेंगे, मैं पहले बता दूं। ठीक है, तो मैं ये समझ गया कि अगर मुझे टू बाई ए चाहिए तो मैंने इसको क्या किया, वन बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, कर सकता हूं मैं, एक या दो लाइन से ज्यादा लेता ही नहीं अलजेब्रा में। ठीक है, मैंने इसको 1 बाई ए से गुणा किया तो ये आया पहले 1 प्लस, आप देखो इसको गुणा करूंगा 1 आएगा, इसको करूंगा खाली a आएगा, प्लस इसको करूंगा ए स्क्वायर आएगा, इसको करूंगा ए की क्यूब आएगा, इसको करूंगा माइनस 2 बाई ए आएगा, माइनस 2 बाई ए, इसको करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 2 बाई ए। फिर आप बोलोगे बराबर में 0 आएगा, तो मैंने कहा फिर जब 0 के बराबर है तो मैंने बराबर यहां लगा दिया, देन की जगह मैंने बराबर लगा दिया, दिखा दिया आपको कि बराबर होगा। अब आप कहेंगे जब ये दोनों बराबर हैं तो a a स्क्वायर और a की क्यूब आपस में कट जाएंगे, a a स्क्वायर और a की क्यूब आपस में कट जाएंगे। बोलो बता रही नहीं समझ? जब ये 2 बाई ए इधर आएगा, इधर आएगा तो ये कितना होगा? एक ही घात चार ऑलरेडी है, प्लस टू बाई ए, यही होगा। बराबर में कितना होगा? तो आप कहेंगे एक तो ये दो चला जाएगा उधर, दो प्लस एक, ये एक बचा हुआ है, एक बराबर कितना आ जाएगा? तीन, यही होता है। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट की डिमांड डालो, अगर नहीं समझ आया तो रिपीट की डिमांड डालो, डिमांड रिपीट कीजिए।